हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इंडियन रेलवे का एक बहुत सारी अपडेट आई हुई है जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप वीडियो में लास्ट तक प्लीज बने रहें ताकि आप इस अपडेट के बारे में जान पाएं और ये अपडेट बहुत ही लाभदायक होने वाली है आप लोगों के लिए। सो दोस्तों, अगर आप रेलवे में बराबर यात्रा करते हैं या फिर कभी कभार यात्रा करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर लोग यात्रा करते हैं या आपका दोस्त यार या आपके आस पड़ोस के लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं, तो रेलवे का ये अपडेट उन सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। इस अपडेट से यात्रियों को काफ़ी सुविधाएं मिलने वाली है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा किया है कि रेलवे का मिनी नवरत्न कंपनी, जिसे हम रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, वो अब एक ऐप लॉन्च करने जा रहा है। उस ऐप का नाम होगा पीपोनेट और वो ऐप के द्वारा आप सभी रेलवे में सफ़र के दौरान आप बैठे बैठे, मतलब अपने सीट पर बैठे बैठे ट्रेन के अंदर ही आप टैक्सी बुक कर पाएंगे, होटल बुकिंग कर पाएंगे, अपने लिए पर्सनल खाना बुकिंग कर पाएंगे और रेलवे के अंदर, ट्रेन के अंदर साफ़ सफाई से रिलेटेड आप कंप्लेन भी कर पाइएगा कि अगर आपका कोच के अंदर में कुछ साफ सफाई नहीं है, तो आप आराम से इजीली उस ऐप के द्वारा आप कंप्लेन भी कर दीजिएगा। और भी उस ऐप में, पीपोनेट जो ऐप लॉन्च होने वाला है, इसमें और भी काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेगी। और पीपोनेट जो ये आपका जो ऐप है, मोबाइल ऐप, ये आपको अगस्त 2023 में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये प्ले स्टोर में भी आप सभी को मिल जाएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि ट्रेन के अंदर में नेट भी ठीक से काम नहीं करता है, अगर आप अपना पर्सनल नेट यूज़ करते हैं। तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि अब हर ट्रेन के अंदर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे स्टेशन पर तो वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है ही, लेकिन अब आप सभी को ट्रेन के अंदर भी वाईफाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी अगस्त 2023 के बाद से। सो दोस्तों, और एक आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पहले मतलब होता क्या था कि अगर आप अपना पर्सनल टिकट काउंटर से बुकिंग करवाए हैं तो किसी कारण अगर आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर पा रहे तो उस टिकट को कैंसिल करना पड़ता था, जो कि अब आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे काउंटर का टिकट हो या ऑनलाइन टिकट हो, ठीक है, आप उस टिकट को आप अपना फैमिली मेंबर उस पर ट्रेवल्स कर सकता है। बाय चांस अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, तो कोई फैमिली मेंबर जाना चाहता है, तो वो उसी टिकट पर इजीली वो जा सकता है। वो जैसे कि पहले काउंटर टिकट में ये सिस्टम था नाम चेंज करवाने का, काउंटर पर जाकर आप नाम चेंज करवा लेते थे, ऐसे ही सेम अब अगर आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं पर्सनल आईडी से या एजेंट आईडी से या कहीं और से बुकिंग करवाते हैं, तो अब ये ऐसा सिस्टम आ चुका है कि आप इजीली अपना नाम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। पहले ये सिस्टम नहीं था, लेकिन ये सिस्टम अब अपडेट कर दिया गया है। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये बहुत ही जल्द, मतलब जैसे कि जो पीपोनेट है ये तो अगस्त 2023 से लॉन्च होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही ये जो टिकट ट्रांसफ़र वाला जो मतलब सिस्टम है, ये बहुत जल्द ही लागू होने वाला है। सो आई होप कि आप सभी को हमारा ये जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो अब तक पहुंच सके।